उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उनका सपना अधूरा रह गया था। 13 वर्ष की उम्र से ही प्रेमचंद ने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने कुछ नाटक लिखे और बाद में हिंदी में उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया। उनके साहित्यिक कृतित्व की शुरुआत उर्दू लेखन से हुई थी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। 1906 में प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए एक विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। इससे उनकी जिंदगी के हालात कुछ बेहतर हुए। प्रेमचंद आजादी से पहले के समय के समाज और अंग्रेजी शासन के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा। 20वीं सदी में उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने